भैया आप ये क्या कर रहे हैं? हम जादू की स्याही से जादू की लिखाई कर रहे हैं आज। लेकिन हमारी स्याही तो नीली होती है। हाँ, तुम जो अपनी जैसे ये जो कलम है इसमें जो स्याही होती है वो नीले रंग की होती है, तो उससे होता क्या जब हम कागज पे लिखते हैं तो तुरंत नीला रंग उभर आता है ना। लेकिन ये जो जादू की स्याही है और इससे जो जादू की लिखाई होती है वो लिखा हुआ बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, और जब हम एक खास चीज करेंगे इसके साथ, एक खास तरह का जादू करेंगे, तो ये जो लिखा हुआ है वो उभर आएगा। तो अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब ये देखो कागज, इसमें कुछ लिखा हुआ है? भैया इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। ये देखो, तुम देखो जया, इसमें कुछ लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कुछ लिखा हुआ दिखे। कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा है ना? नहीं। कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। देखो और हम तुम्हें दिखाते हैं। ये देखो, ये कागज है, इसमें ये 6 लिखा है, ये 3 लिखा है, इसके नीचे इसका हल दिया हुआ है, लेकिन हल कोई लिखा हुआ है? भैया इसमें कुछ नहीं लिखा है। तुम देखो जया, इसमें कुछ लिखा है? नहीं। नहीं लिखा है ना? देखो ये 6 और जमा 3 का हल नीचे नहीं लिखा है, लेकिन हमने इसका हल लिखा है। किससे लिखा है? जादू की स्याही से। और ये है जादू की स्याही, देख रहा? तुम्हारी स्याही तो नीले रंग की होती है ना। हाँ। और ये किस रंग की है? सफेद। किस रंग की है? सफेद। तो इसी जादू की स्याही से हम लिखते हैं इस पे। तो मोमबत्ती को हम इस माचिस से जलाते हैं। ये देखो, अब जो तुम कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखो अब हम क्या करेंगे, इस कागज को जिस पे हमने जादू की स्याही से लिखा था इस मोमबत्ती के ऊपर रखेंगे और इसको गर्म करेंगे कागज को। लेकिन इस बात का ध्यान रखना तुम लोग कि कागज जो है जलने ना पाए, तो इसके लिए मोमबत्ती की जो लौ है उसे थोड़ा ऊपर रखना कागज को, ठीक है? तो अब देखो हम इसको रखते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ उभरता है। तो थोड़ा हमने दूर रखा हुआ है, धीमे धीमे उसको लगाना और हटाना ताकि कागज जलने ना पाए। इस बात का पूरा ध्यान रखना कागज जलने ना पाए। अब देखो ये क्या लिखा हुआ उभरा? दी। ये देखो दी लिखा हुआ उभर आया। देखो दी लिखा हुआ है ना। देखो जब हमने इसको जलाया तो दी लिखा हुआ उभरा। इसके बाद देखते हैं हमने क्या लिखा है, ठीक है? तो इसको फिर गर्म करना पड़ेगा मोमबत्ती पे। बस धीमे धीमे इसको ऐसे हिलाओ, धीमे धीमे से, और हटा लो ताकि कागज जलने ना पाए गर्मी से, है? हाँ, अब देखो ये क्या लिखा हुआ उभरा है? दीक्षा। दीक्षा लिखा है ना। अब मैं बताता हूं कि ये जो जादू की स्याही है ये क्या है, इससे कैसे हमने लिखा, ठीक है? तो अब मोमबत्ती हम बुझा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जो जादू की स्याही है ये वास्तव में क्या है पता है? नहीं। ये दूध है, गाय का या भैंस का या बकरी का दूध। इसमें कोई भी चीज हमने मिलाई नहीं है, देख रहे हो, ये सिर्फ दूध है, और इस दूध को हमने इस ढक्कन में लिया हुआ है, देख रहे हो। अब लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक टुकड़ा सफेद कागज चाहिए। तो ये है हमारे पास एक टुकड़ा सफेद कागज, इसी के ऊपर हम दूध से लिखेंगे, ठीक है? तो लिखने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक तीली का जरूरत पड़ेगी, जैसे तीली भी हो सकती है या कोई और नोकदार चीज हो सकती है जिससे हम लिख सकते हैं। और अच्छा लिखने के लिए, ताकि दूध इसमें ज्यादा आ जाए, हम क्या करेंगे, इसमें हम छोटा सा ये रुई का टुकड़ा लपेट देते हैं आगे, ठीक है? ये देखो, ये देखो, अब ये तीली है, तीली के ऊपर हमने सिरे पे लपेट दिया एक रुई का टुकड़ा है। और अब देखो हम इस पे लिखेंगे, तो इसको दूध में इसको डुबोया और इसको हम लिखते हैं, चलो राष्ट्रीय पक्षी का नाम लिखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर, है ना? तो मोर लिखते हैं। तो दूध में ऐसे डुबो के ये बन गया म ये देखो, और ये लिखा हमने र,
बन गया मोर। अब देखो सफेद कागज पे जब हमने दूध से लिखा है तो अभी तो गीला है तो थोड़ा सा तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, लेकिन सूखने के बाद ये बिल्कुल नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसको हमें सूखने के लिए रखना पड़ेगा। इसी तरह देखो हमने कुछ देर पहले ये हमने अपने राष्ट्रीय फूल का नाम लिखा था कमल, और इसी तरह दूध से हमने लिखा था और ये नाम उभर गया। इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद जब हम मोमबत्ती से गर्म करते हैं तो इस तरह से नाम कैसे उभर आता है, जानना चाहते हो ना? तो हाँ। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। होता क्या है कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं और हमने इसमें दूध से लिखा हुआ है, इसके ऊपर कागज के ऊपर दूध से लिखा हुआ है, तो दूध के अंदर जो तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, कुछ विटामिन होते हैं और कुछ लवण होते हैं। ये प्रोटीन, लवण और विटामिन जल के बना लेते हैं कार्बन। कार्बन और ये जो तुमको भूरा और काला रंग नजर आ रहा है इसमें, ये जला हुआ कार्बन ही है। ये जो प्रोटीन है जो जल गया है ये सारा और कार्बन बन गया है वो है ये, इसी वजह से ये दिखाई पड़ रहा है। दूध के अलावा अगर तुम्हें कुछ और चीज लेना चाहो तो तुम किसी फल का या फूल का रस भी ले सकते हो। जैसे ये देखो हमारे पास नींबू है, नींबू से अगर हम नींबू काटें, ये देखो अब नींबू का रस हमने इसमें ये ले लिया। नींबू का रस क्यों लेंगे पता है? नींबू का रस इसलिए लेते हैं, हम इसको सफेद कागज पर लिखेंगे तो किसी तरह का कोई रंग नहीं उभरेगा। लेकिन अगर हम रंगीन फूल लें, मान लो लाल रंग का फूल लेते हैं या नीले रंग का फूल लेते हैं, तो उसका जो हम रस निकालेंगे तो उसमें भी रंग होगा, तो उससे लिखा हुआ तुरंत उभर आएगा, है ना? अच्छा अब देखो हाँ हम तुम्हें बताते हैं कि ये जो पढ़ाई है, अब देखो जैसे ये हमने तुम्हें पहले दिखाया था कि 6 जमा 3 कितना होता है, इससे लिखा हुआ उभर आएगा कि 6 जमा 3 कितना होता है। हाँ ये देखो 6 जमा 3 कितना हुआ, नो ये देखो कितना हुआ, नो तो 6 जमा 3 हो गया 9, यानी कि इसका उत्तर ये 9।